हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हिस्ट्री के पीरियड में हम देख रहे थे लेसन नंबर 2, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। एंड इन प्रीवियस पीरियड वी हैड कंप्लीटेड पेज नंबर 6 एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी पेज नंबर 7। मटेरियल सोर्सेज वी हैड सीन, नाउ वी आर गोइंग टू सी रिटन सोर्सेज। ओके, डू यू नो रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन टेम्पल वॉल्स, वॉल ऑफ रॉक कट केव्स एंड रॉक्स, इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर प्लेट्स, पॉट्स, ब्रिक्स एंड ऑन राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम पाम लीव्स एंड बर्च बार्क एक्सेट्रा। तो ये जो रिटन सोर्सेज होते हैं, रिटन यानी लिखा हुआ, जो भी मटेरियल लिखा हुआ मिलता है तो वो रिटन सोर्स में आता है। जैसे कि देखो, आप कोई भी टेम्पल में जाओगे, पुराने, बहुत पुराने एंशंट टाइम्स वाला अगर कोई टेम्पल है तो उसके दीवारों पर कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो और ऐसे जो रॉकट के जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। वो भले ही समझेगा नहीं समझेगा, कुछ लिखावट समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, क्योंकि वो उस टाइम का लिपि रहता है। और ये जो लिखा हुआ मटेरियल जो भी मिलता है ना, वो सब इंक्लूड होता है रिटन सोर्सेस में। तो पॉट्स के ऊपर भी लिखा हो सकता है, कॉपर प्लेट्स इस तरह की होती है उस पर भी लिखा हो सकता है, या पेड़ के ऊपर लिखा हुआ हो सकता है, पाम लीव्स, पाम का पेड़ होता है ना, तो पाम के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हमें बाद में मिलती हैं उस पर से हम हिस्ट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतिहास में क्या किस तरह का मतलब चीज़ें होती थी, किस तरह उसमें जो भी लिखा है उससे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में लोगों का रहन सहन कैसा था, वो कैसे क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, और क्या क्या हुआ था, क्या इवेंट्स हुए थे उस समय, ये सब हमें पता चलता है। तो ये देखिए, कुछ कॉपर प्लेट यहाँ पिक्चर बताया गया है कॉपर प्लेट का, उस पर कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक, पत्थर के ऊपर भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस तरह से लिखा हुआ भी मटेरियल हमें मिलता है। द स्टोन एज पीपल हैव रिकॉर्डेड मेनी इवेंट्स एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन पेंटिंग्स ऑन रॉक्स। तो स्टोन एज के लोग जो होते थे उन्होंने क्या किया, रॉक्स के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बना के रखे थे, कुछ लिखा हुआ था, तो उसके जरिए हमें उनके इमोशंस का और उस समय क्या क्या होता था उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दैट मैन लर्न्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो थाउजेंड्स ईयर्स के बाद इंसान जो है वो लिखना, उसको लिखने की कला आने लगी। इन द बिगिनिंग ह्यूमंस यूज सिम्बल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडियाज। उसके पहले क्या था, ह्यूमन्स को लिपि नहीं आती थी, लिखना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, सिम्बॉल्स और साइंस यूज करते थे, है ना, कुछ निशान बनाते थे जिसके जरिए वो बात करते थे, निशानों के जरिए या कुछ बॉडी लैंग्वेज के जरिए उनको पता चलता था। हाउएवर इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस। और फिर हजारों सालों के बाद फिर जो स्क्रिप्ट बनी है, स्क्रिप्ट यानी राइटिंग, जो लेटर्स होते हैं, वर्णमाला होती है ना, ये सब कब बना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आफ्टर, यानी थाउजेंड्स ईयर्स के बाद। इन द बिगिनिंग मैन रोट एंड पॉट्स हर्ट्स अनबेक्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या इंसान क्या करता था, पोस्ट हर्ट्स जो होते हैं और ब्रिक्स होती है, अनबेक्ड ब्रिक्स मुझे क्या होता है उसमें, कि जो ब्रिक्स यानी ईट जो पूरी तरह से जो पका हुआ नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेकते हैं ना, ब्रिक्स को सेकते हैं बनाने के बाद, तो वो जब गीला गीला रहता है उसके ऊपर कुछ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से कुछ लिखते थे। ही ऑल्सो यूज बर्च, भुर्जा ट्री बाग टू राइट ऑन। और भुर्जा ट्री आपको पता होगा कश्मीर की तरफ ये होता है, उसका भी उपयोग करते थे लिखने के लिए। एज हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज्ड ही बिगन टू राइट इन डिफरेंट वेज।
और जैसे जैसे उसको नॉलेज आता गया वैसे वैसे उसका राइटिंग स्किल भी अच्छा होता गया। ही बिगन टू रिकॉर्ड द इवेंट्स दैट टुक प्लेस अराउंड हिम, और वो क्या करने लगा फिर उसके आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं वो लिखने लगा। अकाउंट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल कोर्ट्स वेयर ऑल्सो रिटन सिस्टमेटिकली। तो रॉयल कोर्ट्स में जो भी होता था, जैसे राजा महाराजा के दरबारों में जो भी होता था, जो भी इवेंट्स होते थे, जो भी सुनवाई होती थी, जो भी होता था वो सब लिखा हुआ रहता था। मेनी रूलर्स हैड देयर ऑर्डर्स, जुडिशियल डिसीजंस, डोनेशंस एक्सेट्रा इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स। तो राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनके राज्य में भी इस तरह का राइटिंग हुआ करता था, न्याय व्यवस्था के बारे में, फिर डोनेशन के बारे में, फिर जो भी ऑर्डर्स दी जाती थी राजा से वो सब लिखा हुआ रहता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड, और फिर बाद में धीरे धीरे हर लिटरेचर में डेवलपमेंट होता गया। दे इंक्लूड बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल ऑब्जेक्ट्स, लोग बुक्स लिखने लगे रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर, फिर सोसाइटी के ऊपर, और पोएट्री वगैरह बनने लगी, ट्रैवलॉग्स एंड साइंटिफिक वर्ड्स, जो क्या बोलते हैं, जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका जो प्रवास वर्णन होता है वो भी, उसके बाद जो साइंस में कुछ प्रगति करता है या कोई भी खोज करता है तो उसके बारे में। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि उस समय क्या क्या हुआ करता था। द सोर्सेज आर नोन एज द रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो सोर्सेज है, जिस जो लिखा हुआ मिलता है हमें मटेरियल, हिस्ट्री में जो कुछ भी लिखा हुआ था तो वो मटेरियल जो होता है जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है तो उसे बोलते हैं सोर्सेस ऑफ, रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये देखिए भोजपत्र, मैंने अभी बताया था ना कश्मीर में होता है ये भुर्जा। तो भुर्जा पत्र मीन्स राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ बर्च ट्री। ये जो बर्च ट्री है उसका जो बार्क है, बार्क यानी ये जो उसका ट्रंक होता है, उसकी जो स्कीन होती है ना उसके ऊपर लिखावट होती है। और उसका भुर्जा जो है ये उसका संस्कृत नाम है, उसे बर्च ट्री भी बोलते हैं। बर्च ट्रीज आर फाउंड इन कश्मीर, ये कश्मीर में होता है पेड़। ठीक है, विजिट म्यूजियम इन योर लोकेलिटी, राइट एन एसे डिस्क्राइबिंग द आर्टिफैक्ट्स डिस्प्लेड देयर। कोई भी म्यूजियम में जाके आपको ये सब देखने को मिलेगा, पुराने जमाने की चीजें, फिर लिखा हुआ जो भी होगा उस जमाने का वो सब आपको मिलेगा। कलेक्ट द ट्रेडिशनल वर्सेस सच एज ओवीज, आपने ओवी सुनी होंगी, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, इन लोगों ने बहुत सारी ओवी लिख के रखी है। ओवी यानी एक टाइप की पोएट्री होती है वो। कलेक्ट फोक सॉन्ग्स, प्रेजेंट वन ऑफ देम इन द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल। कोई भी एक फोक सॉन्ग लेकर आप कल्चरल प्रोग्राम में भी इस तरह का एक प्रोग्राम कर सकते हो। ओवी देखो यहाँ पे, पांडुरंग पिता रुक्मिण माझी बया, आषाढ़ वारियेला पुंडली का आला न्याया। तो इस तरह की ओवी, ये ओवी है, इसको ओवी बोलते हैं। लाइन्स फ्रॉम फोक सॉन्ग, एक फोक सॉन्ग है, महानगरी उजनी लई पुण्यवान दानी, तेथे नांद तो होता राजा, सुखी होती प्रजा, तिनी लोकी गाजा वाजा, असा उज्जनीचा इक्राम राजा। तो ये विक्रमादित्य के लिए लिखा है, उज्जैन का जो राजा था विक्रमादित्य, उनके लिए ये फोक सॉन्ग लिखा गया है उनके ऊपर। तो ये होते थे, ये वो भी है, दो लाइन की, तीन लाइन की, ये वो भी है, ये क्या है, फोक सॉन्ग है। तो ये लिखावट जो है ये पुराने जमाने का सब लिखा हुआ है ना, तो वो हमारे पास अभी है क्योंकि उस जमाने में किसी ने लिख के रखा था। तो उससे हमें पता चलता है कि तब किस तरह का माहौल हुआ करता था, कैसे लोग थे, क्या करते थे, उनकी रहन सहन कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, ये सब हमें पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। रिटन सोर्सेस हमने देख लिया है इस वीडियो में, आगे के वीडियो में हम देखेंगे ओरल सोर्सेस। ओके, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।